अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, नाश्ते वगैरह से फारिग हो चुके थे, काफ़ी गप्पे भी लगा चुके थे और ईद का तीसरा दिन है और बस अब हम लोग भी अपने अपने घर जाएंगे। ये हम लोग अभी अपनी अम्मी के घर ही पर है ना, बहनें और हम लोग, मैं भी। तो इसके बाद ये हुआ कि नाश्ते के बाद जब काफ़ी हम लोगों ने गपशप लगा ली तो उसके बाद हमने कहा कि चलो कुछ शाम के लिए कर लें। तो बस ये थोड़ा बहुत एहतमाम कर लिया और सबके साथ मिल बैठ के खा लिया, क्योंकि बस यही है। इसके बाद सब जो हैं वो अपने अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो आज मेरी जो छोटी बहन है उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैंने फिर सरप्राइज किया उसे और ये किया कि केक वगैरह मंगा के पहले से रख लिया था और उसे खबर भी नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने मिलजुल कर केक काटा और बहुत एंजॉय किया। अच्छा जी, मेरी जो भतीजी है परीजे, उस बेचारी का मुंह बना हुआ था और वो ये कह रही थी कि मतलब लाला का क्यों वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, मेरी मनाए ना, मेरी मनाए। और इस बात को लेके सब इतना हंस रहे थे, इतने कह कह लगाए। उस बेचारी का मुंह बना हुआ है और वो मुसलसल नाराज होकर बैठ गई हम लोगों से कि आप लोग जो हैं वो, यानी पप्पो को वो लाला कहती है, तो लाला की क्यों आप लोग बर्थडे मना रही है, मेरी कह रहे हैं आप लोग। तो इस चीज को भी बहुत इंजॉय किया और इस लम्हे को, इस छोटे से इवेंट को सब ने बहुत ही इंजॉय किया। और यही होती हैं छोटी छोटी खुशियां, उनको मिलकर जब मनाते हैं तो वो ज्यादा ही अच्छी हो जाती हैं। यहाँ पर जो है खाना वगैरह चल रहा है अब। खाने से फारिग होके हम लोग बस ऐसे ही ड्राइव पर निकल गए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और दो दिनों से कहीं भी निकल नहीं पाए थे क्योंकि मसरूफियत इतनी थी और काम इतना मुसलसल हो रहा था ना, पकाने का और मेहमानदारी। तो आज हम लोग जो है वो निकल गए और रात काफी हो गई थी, छोटी बहन भी अपने घर चली गई और मैं भी अपने घर आ चुकी थी। तो ये नेक्स्ट डे है जब उठकर मैंने जो है अपने फिर चीज़ें निकाली और घर में भी कुछ सेटिंग करना था, लाइक फ्रिज में चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई थी क्योंकि मैं तो अम्मी की तरफ थी। तो जब मैं आई हूँ तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो सेट की हैं, फिर घर में कुकिंग स्टार्ट की है, खाना बनाया है और पसंदी और गोला कबाब बनाया। तो घर वापस आई हूँ तो घर दो तीन दिन के बाद ना काफ़ी वो उजड़ा हुआ लगता है जब घर में दाखिल हो। तो फिर उसके बाद मेट के साथ लग के पूरे घर की सफाई, और मैंने उसे कहा कि आज पूरे घर की धुलाई कर दो क्योंकि बकरीद की वजह से ना वो घर काफ़ी अजीब ही हो रहा था और हर तरफ से वो गाय की और इन चीज़ों की जो महक आती है। तो खूब सफाई वगैरह हो गई और मैंने फिर पसंदे में मसाला भी लगा दिया। तो ऐसे जो मसाले में क्या था, सिर्फ कच्ची प्याज, दही, जीरे को मैंने पीस लिया था और इसमें फिर पिसी हुई अदरक लहसुन डाल दी। और इसमें मैंने, वैसे अगर आप लोग, घर का मसाला भी मैं डाल लेती हूँ लेकिन आज मेरा मूड था तो मैंने इसमें बारबेक्यू मसाला जो है वो 2 से 3 चम्मच डाल दिए। खुला हुआ मसाला मैं यूज़ करती हूँ, मतलब ब्रांड वाले भी यूज़ करती हूँ लेकिन बाज़ों का जो है ना ब्रांड के मुकाबले में ये खुले हुए मसाले बहुत अच्छे होते हैं। तो बारबेक्यू मसाला जो खुला हुआ मिलता है ना मार्केट में वो बहुत अच्छा होता है। तो वो लगा दिया है, नमक और पिसी मिर्ची। अच्छा, पपीता तो जाहिर है, ऑफ कोर्स पपीता तो जाएगा ही, तो ये था नहीं ना उस वक्त, तो फिर मैंने बाजार से मंगवाया और फिर इसको थोड़ी सी जो पिसी हुई प्याज थी उसके साथ ही पीस लिया क्योंकि पानी तो ज़्यादा नहीं जाता ना पसंदे में। बस ये सब लगाकर जो है ना उसे मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था और फिर उसके बाद
फ्राई कर लिया था इन्हें तवे पर धीमी धीमी आंच पर। मुसलसल काम करते हुए जो है ना, ये तीसरा दिन था, मतलब बकरीद से जो काम शुरू किया है हमने कुकिंग का और घर वालों को खिलाने पिलाने की जो जिम्मेदारी ली है, तो आज तीसरा दिन है और थक कर मैं बहुत बेहाल हो चुकी थी। तबीयत भी बिल्कुल फीलिंग लो हो चुकी थी मेरी, तो इतना काम के इतना काम किया है तो आज तो ना बहुत ही ज़्यादा। तो ये सब पकाने के बाद जो है बस वो फ्रेश होकर बैठ गई। शाम का टाइम हो चुका था तो बेटी जो है जिम्मेदारी है उनकी शाम की चाय, तो शुक्र है कि शाम की चाय वगैरह बनाई उसने। और उसके बाद जो हमारा टीवी टाइम होता है बस उसी वक्त ही, तो टीवी लाउंज में बैठ गई और वहां पर जो है चाय आ गई और थोड़ा सुकून लिया वहां बैठकर। मुसलसल काम कर कर के ना बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी मेरी। तो आज के बाद से ये होगा कि पहले तो हम दो दिन हमने घर में अम्मी के घर गुजारा और वहां पर भी काफी मिलजुल के, और सारी बहनें भी थीं, बच्चे भी थे, तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग जहां हो जाएं तो फिर काम भी ज्यादा होता है। तो आज जब मैं घर आई हूँ, सारे काम करके किचन वगैरह सेट कर लिया, फ्रिज में सारी चीजें सेट कर ली, फिर शाम हो गई थी इतने सारे काम करते करते, तो फिर फ्रेश होके चाय वगैरह पी और यही टाइम होता है बस सुकून से बैठ के थोड़ा सा टीवी वगैरह देख लेते हैं यहीं पर मैं और मेरी बेटियां बैठकर। और टीवी देखने के बाद बस इसके बाद मैं अपना व्लॉग यहाँ बंद करती हूँ। बहुत थक चुकी हूँ और मेरे ये छोटा व्लॉग यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा, इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।